प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा आज का टॉपिक है कक्षा 8वीं के लिए ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त लगाओ जो दी हुई रेखा ए बी को बिंदु पी पर और उसके बाहर दिए बिंदु डी पर स्पर्श करें। ठीक है जी, तो हमने एक वृत्त लगाना है। दिया क्या है हमें, ए बी रेखा पर बिंदु पी दिया है। ये हमारे पास ए बी रेखा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पर कोई पॉइंट हमें पी दिया है और उसके बाहर दिए बिंदु डी से स्पर्श करें, और ये हमें एक बिंदु डी दिया है। हमने वृत्त लगाना है जो ए बी को पी पर स्पर्श करें और डी से भी पास हो। ठीक है, डी से भी गुजरे। तो इसके लिए क्या तरीका है, सबसे पहले आप बिंदु P पर सम को 90 डिग्री का कोण बनाओ। थोड़ी प्रकार खोली है, ये चाप, इतनी ही प्रकार खोल करके ये यहाँ काट दिया और आगे इतनी ही प्रकार करके यहाँ काटा और इसको ऊपर बढ़ा दिया और इस पॉइंट से प्रकार की ये इसको काट दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पर दोनों चापें कट रही हैं, पॉइंट को मिलाकर हमने ये ऊपर बढ़ा दिया पी से। ठीक है जी, ये हमारे पास सम कोण हो गया। अगला स्टेप है कि पी को डी के साथ मिलाओ, पी पॉइंट को डी के साथ, जो हमें दिया हुआ पॉइंट है। ठीक है जी, और पी डी का समद्विभाजन, आधे से ज़्यादा प्रकार खुली है, छोटी ज़्यादा खुली थोड़ी, ये चाप और ये इतनी ही प्रकार खोल करके डी से रखी चाप और ये चाप। ठीक है जी, अब इनको आपस में मिलाएंगे, पॉइंट और ये पॉइंट, ये हमारे पास पी डी रेखा का समद्विभाजन, जहां पर ये समद्विभाजन वाली रेखा इस 90 वाली रेखा को काट रही है, ये पॉइंट, ये समद्विभाजन वाली रेखा, ये 90 वाली रेखा, अब इसमें कट रहे हैं ये पॉइंट, पॉइंट ओ, ओ से प्रकार रखो, आपके पास ये डी भी समान होगा और ये पी भी समान होगा। ठीक है जी, मतलब कि ओ से पी इतनी प्रकार खोलो या डी इतनी प्रकार खोलो और ये सर्कल लगा दो, वृत्त लगा दो, क्या लीजिए हमारा आंसर है, तो इसको हम डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, और ये क्वेश्चन हमारा बनकर तैयार है। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त खींचो जो ए बी रेखा को स्पर्श करे और बाहर दिए बिंदु पी से गुजरे। ठीक है जी, वृत्त का अर्धव्यास एच रेखा के समान है, तो क्वेश्चन समझेंगे पहले कि हमें क्या दिया है, ए बी रेखा पॉइंट, ठीक है जी, और दूसरा दिया है बिंदु पी, बाहर दिया है ये बिंदु पी, और एक हमें दिया है अर्धव्यास, जो हमने वृत्त लगाना है उसका अर्धव्यास किस रेखा के समान, ये दिया हमें एच रेखा के समान। क्वेश्चन समझेंगे कि हमने एक वृत्त लगाना है जो कि ए बी को भी स्पर्श करें और इस पी से ही पास हो। ठीक है जी, और उस वृत्त का अर्धव्यास कितना होना चाहिए, त्रिज्या जो है वो एच के समान होनी चाहिए। यह क्वेश्चन तो करने के लिए सबसे पहले हम एच के समान प्रकार खोलेंगे, ए पर रखें, ये ऊपर चाप लगा दी और बी पर रखीजिए ऊपर चाप, समानांतर रेखा लगा रहे हैं हम। ठीक है जी, एच दूरी पर ए बी से, तो इनके ऊपर वाले सिरे जो हैं, जो हमने चापें अभी लगाई हैं, इनके ऊपर वाले सिरे स्केल को मिला करके ये मान लो जी एल है, ये है एम, फिर
प्रकार को लेंगे एच के समान ही, यहां पी पर रखेंगे प्रकार को और इसको काट देंगे, जो हमने समानांतर रेखा लगाई है इसको काट देंगे, पॉइंट हमारे पास आ गया पॉइंट ओ। ठीक है जी, तो ओ पी को मिलाएंगे, ये पॉइंट ओ है, तो ये हमारे पास वृत्त का केंद्र आ गया। अब इसमें क्या हो सकता है कि यदि आपकी आपने पी से प्रकार रखी है और इस रेखा को काट नहीं रही है, ठीक है जी, ऐसा हो सकता है कि आपने पी से प्रकार किया जितनी खोल करके और इस रेखा तक पहुंच नहीं रही है, ऊपर ही रही है, तो इसका हमारे पास क्या सलूशन है कि आप एच को बढ़ाओ थोड़ा सा, तो ये भी रेखा ऊपर थोड़ी उठ जाएगी तो जे पी जो है थोड़ी नीचे आ जाएगी, तो अपने कट जाएंगे, तो ये हमारा जो है केंद्र वृत्त का ओ आ गया है। ओ से प्रकार रखेंगे हम, पी के समान हमारे पास प्रकार खोलेंगे और उसको चेक कर लेंगे, पहले पी तक खुल गई है, ये यहाँ ए बी तक पहुंच रही है, ठीक है जी, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। ओ से प्रकार की और जो हमने वृत्त लगा दिया इसको थोड़ा डार्क कर देना है, ठीक है जी, हमारा आंसर है ये। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो चुका है, आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।